Let us start today's session with a quick, not quick, but complete revision of collisions. So in the last lecture, हमने collisions ये topic start किया था, and I expect कि आपको याद होगा कि collision क्या था. जिनको याद नहीं है, I will revise this again. We'll go through all this again. Collision में you have two or more bodies. So you have two or more bodies. कमिंग टूगेदर मतलब इनिशियली फॉर एग्जाम्पल यू हैव बॉडी वन विथ मास एम वन बॉडी टू विथ मास एम टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन इज यू वन एंड दैट ऑफ टू इज यू टू और आपको याद होगा कि कंडीशन फॉर कोलिजन वॉज यू वन ग्रेटर देन यू टू क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ऑब्जेक्ट टू अगर उसका स्पीड ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट वन कभी कोलाइड कर ही नहीं पाएगा So this was the condition before collision. And during collision, what happens is collision के time पे क्या होगा कि these two bodies come together and exert force on each other. अगर आपको याद होगा ये body one है ये body two है this is force acting on two due to one and you have force acting on one due to two. तो ये है ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन के बाद यू हैव दीज टू ऑब्जेक्ट्स अगेन मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस तो ये आ गया आपका वेलोसिटी v1 v2 m1 एंड m2 यहां पे ऐसा होता है नॉर्मली v2 इज ग्रेटर देन v1 ये है आफ्टर कोलिजन तो इफ यू रिमेंबर हमने कोलिजन को डिफाइन कैसे किया था हमने बोला था ड्यूरिंग कोलिजन बॉडीज कम टुगेदर दे इंटरैक्ट मतलब दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एंड दे स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस ये पता होना चाहिए देन आफ्टर दिस मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम इज कंजर्व बट इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज में चेंज व्हेन आई से एंटायर मतलब पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होगा कांस्टेंट इस सिस्टम में दो पार्टिकल्स है दो बॉडीज है तीन होंगे तो तीनों का भी इट विल बी द टोटल विल बी द कंजर्व अब व्हाई वी आर सेइंग दिस क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है कोई भी तो अंडर द अजम्पशन कि जो इंटरैक्टिंग बॉडीज है ओनली फोर्स एग्जिस्ट दैट इज फोर्स ऑफ इंटरैक्शन मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है देयर इज नो फ्रिक्शन देयर इज नो एयर ड्रैग नथिंग एंड नथिंग अंडर दिस कंडीशन हमने ये देखा था कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड राइट इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा क्यों होगा यहाँ बोल ही रहे हो कि इसका u1 इनिशियल स्पीड था और फाइनल स्पीड इज v1 तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया m1 u1 फाइनल कितना हो गया m1 v1 तो इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम चेंज हुआ है लेकिन टोटल सिस्टम का नहीं हुआ तो दैट इज व्हाई यू राइट इट लाइक इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम और अगर आपको याद है इनिशियल मोमेंटम दो पार्टिकल व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 m1 u1 प्लस m2 u2 एंड फाइनल मोमेंटम इज m1 v1 प्लस m2 v2 फिर हमने इसको लिखा था इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वेंशन समेशन i रन्स फ्रॉम 1 टू 2 क्योंकि यहां पे दो ही पार्टिकल्स है mi ui इक्वल टू समेशन mi vi runs from 1 to 2 right now इसके बाद हमने डिफाइन किया था टाइप्स ऑफ कोलिजन उसमें हमने पहला कोलिजन देखा था इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है इन दिस केस अ कोलिजन इन विच टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व इन एडिशन टू लीनियर मोमेंटम हमेशा याद रखना कोलिजन में
कोलिजन किसी भी टाइप का हो, लीनियर मोमेंटम हमेशा कॉन्जर्व्ड होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर लीनियर मोमेंटम के साथ साथ एडिशनली काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व्ड हुआ तो उसको आप बोलते हो इलास्टिक कोलिजन। सो कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कॉन्जर्व्ड इन एडिशन टू लीनियर मोमेंटम, सच अ कोलिजन इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें हमने लिखा था टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वन यू वन स्क्वायर पहले ऑब्जेक्ट का प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर दूसरे ऑब्जेक्ट का इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, राइट। देन हमने इसको भी साइन कन्वेंशन में लिखा था समेशन आई रन्स फ्रॉम वन टू टू हाफ एम आई यू आई स्क्वायर इक्वल टू समेशन आई रन्स फ्रॉम वन टू टू हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। अब इसमें आप हाफ हाफ समेशन के बाहर निकाल सकते हो, समेशन हाफ समेशन आई रन्स फ्रॉम वन टू टू एम आई यू आई स्क्वायर इक्वल टू हाफ समेशन एम आई वी आई स्क्वायर आई रन्स फ्रॉम वन टू टू। आप हाफ को कैंसिल भी कर सकते हो, तो यू कैन गेट दिस, राइट। तो इलास्टिक कोलिजन के दो कंडीशंस, दिस वन और दिस वन, दोनों में से कोई भी एक, एंड ये एक ही कंडीशन है, देयर आर नॉट टू डिफरेंट कंडीशंस। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कॉन्जर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड, हाँ, तो ये एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई होना चाहिए, और दूसरा ये कंडीशन है। तो अगर एक कोलिजन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो सच अ कोलिजन इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। गुड, तो यहां तक हमने लास्ट सेशन में देखा था। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू स्टार्ट विथ नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन, दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन में व्हाट हैपेंस इज, यहां पे अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल, or a collision in which there is loss of kinetic energy, such a collision is called as inelastic collision, right? यहाँ पे भी linear momentum conserved रहेगा, सिर्फ यहाँ पे kinetic energy conserved नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Because you see, sometimes when the objects collide, collision leads to friction, और friction की वजह से heat generate होता है, तो some part of kinetic energy is wasted, lost due to heat, okay? So that collision is called as inelastic collision. So likh lenge. So a collision in which total kinetic energy is not conserved. Kinetic energy is not conserved, or there is loss of kinetic energy, then such a collision is known as inelastic collision. However, as you know, भले काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं है तो नहीं है, बट लीनियर मोमेंटम इज कॉन्जर्व। हाउएवर लीनियर मोमेंटम इज कॉन्जर्व। ओके, सो इन दिस केस अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। देखो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये इनिशियल से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वन यू वन स्क्वायर,
दूसरे के पास था हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, कोलिजन में थोड़ा सा लॉस हो गया, तो जो फाइनल होगा ये इनिशियल से कम होगा. तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, यूजुअली या नॉर्मली इन इलास्टिक कोलिजन, इन दिस केस नॉर्मली व्हाट यू हैव इज नॉर्मली फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल इज लेस देन के इनिशियल, राइट. दिस इज द नॉर्मल केस. क्यों? बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सिंस देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिंस देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट. अब बट देयर आर केसेस जस्ट लाइक एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब. अभी व्हाट हैपेंस इज, जब एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, तो इस केस में ये बॉम्ब है, एक्सप्लोड होने से पहले इट इज एट रेस्ट. व्हाट इज इनिशियल लिनियर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? जीरो, राइट. एक्सप्लोड होने के बाद सपोज इसके दो पीसेस हो गए, तीन पीसेस हो गए, आई डोंट केयर कि कितने पीस हुए, लेकिन all the pieces are moving with certain velocity, right? अगर पहले piece का mass m1 है, उसका velocity v1 है, तो half m1 v1 square is the final kinetic energy of piece one, and half m2 v2 square is the final kinetic energy of piece two. So total kinetic energy final is addition of these two, half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Initial कितना था? Zero. Final is non-zero. मतलब इस case में इनिशियल इज लेस देन फाइनल. ऐसा कब होता है? व्हेन द एनर्जी इज इंटरनली सप्लाइड. ये बॉम्ब को एनर्जी कहां से मिला? ये पीसेस को बाहर जाने एनर्जी कहां से मिला? बिकॉज यहां पे अंदर बारूद था और आपने इसको आग लगा दी, तो ये बारूद जो है इट विल बेसिकली प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी. तो नॉर्मली नॉर्मली फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये इनिशियल से कम ही होगा, बट इन केस व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड इंटरनली, इन दैट केस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल. सो इफ द एनर्जी इज, इफ द एनर्जी इज सप्लाइड इंटरनली, इज सप्लाइड इंटरनली, then kinetic energy final is greater than kinetic energy initial. Okay, तो ये पता होना चाहिए. This is a special case जिसमें internally energy supply हो रहा है. Otherwise, inelastic collision बोला मतलब final is less than initial, right? तो so far हमने अभी तक दो टाइप के collisions देखे, elastic and inelastic, right? अब इनइलास्टिक में देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. सो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, नाउ इन दिस केस व्हाट यू विल हैव इज, फॉर एग्जांपल इन दिस केस टू कोलाइडिंग बॉडीज After collision, stick together. दो colliding bodies है. Example simple. ये एक body है, ये एक body है. ये दोनों bodies collision के बाद, मान लो यहाँ पे collision हुआ. Collision के बाद they stick together and move with common velocity. In this case, there is maximum loss of kinetic energy. So if the two colliding bodies stick together after collision, such a collision is called as perfectly inelastic collision, right? In this case, combined body moves with a common velocity. क्योंकि दोनों साथ में जा रहे तो common ही होगा ना. Simple तो logic है. पहले u1 था, पहले object का, दूसरे का u2 था. Collision के बाद they are together, combine हो गए, merge हो गए. These two will move with common velocity. Logical चीज. There is maximum loss of kinetic energy. रियल लाइफ एग्जाम्पल, मड का बॉल लो, दीवार पे देके मारो, क्या होगा?
दीवार पर चिपक जाएगा, राइट करेक्ट। इस केस में जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, दीवार मूव होने वाला है क्या? मैंने मड बॉल फेंक के मारा, दीवार भी साथ में जा रहा है, होगा क्या? नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? कुछ तो था बॉल का, मट्टी के बॉल का कुछ तो काइनेटिक एनर्जी था। आपने जब दीवार पे देके मारा, व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल? जीरो। सो टोटल इज लॉस्ट, सारा का सारा लॉस्ट। इसलिए इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर कहां गया वो एनर्जी? इट विल प्रोड्यूस हीट, राइट। तो ये याद रखना, that is why we say that in perfectly inelastic collision there is maximum loss of kinetic energy. So pehle define kar do, to pehle bata do basic kya hai. Basic ye hai, when colliding bodies stick together after collision, then the collision is known as perfectly inelastic. In this case, the colliding bodies, in this case, the colliding bodies move with a common velocity after collision. Okay, and what else do you know is, in this type of collision, there is maximum loss of kinetic energy. All right, तो इतना आपको पता होना चाहिए। Now we'll come back to this again. वापस से हम आएंगे। अब तक हमने टोटल तीन टाइप के कोलिजन डिफाइन कर दिए। एक था इलास्टिक, एक था इनलास्टिक, एक है परफेक्टली इनलास्टिक। अब हम हर बार से लिखते बैठेंगे कि हाँ, इसको इलास्टिक बोलेंगे, इसको इनलास्टिक बोलेंगे, या फिर हम हर बार देखेंगे क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है कि नहीं, क्योंकि लीनियर मोमेंट में तो चेक करना ही पड़ेगा आपको, राइट। तो टू नो कि कोलिजन किस टाइप का है, हम एक नया पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। So we define a new physical parameter known as coefficient of restitution to say कि किस type का collision है। So let us define what is called as coefficient of restitution। तो ये जो parameter है coefficient of restitution, we are defining this only to know which type of collision is the given collision, और denote करते हैं इसको small e से। बहुत easy है। Well, by the way, उसका जो definition है, it is based on velocity of approach and velocity of separation. So before we go and define this parameter, I want to know what do you understand by approach? Approach का क्या मतलब होता है? What is the meaning of approach? To follow someone. तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। बिफोर कोलिजन सिनारियो में एक ऑब्जेक्ट आगे चल रहा था और दूसरा ऑब्जेक्ट उसको फॉलो कर रहा था, मतलब ऑब्जेक्ट वन वॉज फॉलोइंग ऑब्जेक्ट टू, है ना, बॉल वन वॉज फॉलोइंग बॉल टू। और अंडर दिस कंडीशन सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पहले से कम होना चाहिए, u1 greater than u2. In that case, you can say that u1 is approaching, not only following, but approaching. Follow करना तो constant distance के साथ हो सकता है ना। अगर मैंने u1 equal to u2 कर दिया तो क्या होगा, दोनों में डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो आप बोल सकते हो फॉलोइंग, बट यू कैनॉट से अप्रोचिंग।
अप्रोचिंग इज व्हेन द डिस्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट करेक्ट। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या, सिंपल एग्जाम्पल, जब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए यूज नंबर्स, नंबर्स यूज करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट नंबर वन, इसका इनिशियल वेलोसिटी है लेट अस से 12 मीटर पर सेकेंड और इसका है 10 मीटर पर सेकेंड एंड बोथ आर गोइंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, करेक्ट। सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू, मुझे किसी के साथ कोलिजन करना है, किसी के साथ बात करनी है, वो मेरे आगे चल रहा है, उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, मेरा है 12 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज माय वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट टू, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज द सेम। अगर अपोजिट होता तो एडिशन, अगर अपोजिट होता दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे होते तो फिर 10 + 12 = 22, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब डिफरेंस इन वेलोसिटीज इन दिस केस बिकॉज द मोशन इज इन द सेम डायरेक्शन। तो याद रखना इसको आप बोलते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 - U2, राइट। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी है V1, इसका है V2, हमने पहले ही बोल के रखा है V2 is greater than V1। मतलब क्या हो रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। मतलब ये हो रहा है पहले ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू को अप्रोच कर रहा था, फिर ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू में कोलिजन हुआ, फिर कोलिजन के बाद इनका सेपरेशन हुआ, राइट। बिफोर कोलिजन ऑब्जेक्ट वन वॉज अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट टू, कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट टू का स्पीड हो गया ग्रेटर देन फर्स्ट, तो अभी क्या होगा, दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, राइट। ऐसा ही होता है ना, रियल लाइफ से कनेक्ट करो, ऐसा ही होता है, मैंने आपको पहले बताया था, यू आर वॉकिंग, आपको आपका फ्रेंड आगे दिखा, यू विल गो, यू विल अप्रोच, आप उससे फास्ट भागोगे क्योंकि आपको उसके साथ बात करनी है, देन यू इंटरैक्ट, राइट करेक्ट। देन वो बोला मेरे को भाई बहुत ज्यादा काम है, आई हैव टू गो, दैट पर्सन स्टार्ट रनिंग फास्टर देन यू, सो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन इज इंक्रीजिंग, मतलब देयर इज सेपरेशन, राइट गुड। सो आफ्टर कोलिजन सिनेरियो में व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आई आस्क्ड यू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, आपने फटाक से बता दिया U1 - U2, व्हाट इज V2 - V1, क्योंकि V2 इज ग्रेटर देन V1, वेरी गुड। तो अब इन दोनों का रेशियो, किन दोनों का, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको आप बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिटरमाइन और यू कैन से टू इंडिकेट टू नो to indicate the type of collision we define a parameter, a physical parameter known as coefficient of restitution. Coefficient of restitution. It is defined as the ratio of. It is defined as the ratio of. As the ratio of relative velocity of separation. Relative velocity of separation to that of relative velocity of approach.
approach. Okay, then therefore you can say A is equal to velocity of separation upon velocity of approach. It is velocity of separation upon velocity of approach. और हमने जो एग्जाम्पल लिया है हमने उसमें ऑलरेडी बोल के रखा है U1, U2 आर इनिशियल वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन एंड V1, V2 आर फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, राइट? तो देयरफॉर यू नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज V2 माइनस V1 अपॉन अप्रोच इज U1 माइनस U2, राइट? वेल बाय द वे वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी गिव्स यू वेलोसिटी, मतलब न्यूमरेटर इज वेलोसिटी, velocity minus velocity gives you again velocity, मतलब denominator is velocity, velocity upon velocity is dimensionless, मतलब E, coefficient of distribution is a pure number, it is a dimensionless quantity, so E is a dimensionless quantity, it is a dimensionless quantity, okay, तो so far अभी तक हमने ये कोलिजन का टाइप कैसे बताएगा उसकी बात ही नहीं की, हमने सिर्फ डिफाइन किया है इसको, वी हैव जस्ट डिफाइन दिस, इसकी जो वैल्यू आएगी जो कुछ भी आएगी हम देखेंगे अब, दैट विल टेल यू विच टाइप ऑफ कोलिजन इज द गिवन कोलिजन। लेट अस स्टार्ट विद, अभी अभी एक कोलिजन देखा हमने, कौन सा था? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, राइट? इन दिस केस मैंने आपको बताया दैट कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स दे स्टिक टुगेदर, राइट? इसका मतलब V2 माइनस V1 विल बी जीरो, क्योंकि दोनों एक साथ चिपक गए तो दोनों साथ में ही जाएंगे, सो देयर इज नो सेपरेशन नाउ, सो देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नाउ, दैट इज जीरो, तो न्यूमरेटर जीरो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो आंसर विल बी जीरो, तो E की वैल्यू जीरो आना मतलब किस टाइप ऑफ कोलिजन? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सो लेट अस see what is the value for so E मतलब coefficient of distribution for perfectly inelastic collision, coefficient of restitution E for perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision. We know that in perfectly inelastic collision, the two colliding bodies stick together after collision. Therefore you will have V1 equal to V2, क्योंकि both of them will move with common velocity now, right? And therefore E equal to, which was V2 minus V1 upon U1 minus U2 equal to zero. Therefore for perfectly inelastic collision E is equal to zero. Therefore for perfectly inelastic collision E is equal to zero. Ab if we are able to find out what is the value of E for perfectly elastic collision, तो in that case अगर आपको वो मिल गया तो आप बता सकते हो कि जैसे यहां पर बता दिया perfectly inelastic की value zero, perfectly elastic की मिल गई तो सिर्फ inelastic कब होगा ये भी बता सकते हो, because there are three types of collision, elastic, inelastic and perfectly elastic. तो ऐसा करते हैं, अब let us find out what is its value for elastic collision. तो एक काम करते हैं,
लेट अस टॉक अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. इसको परफेक्टली बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे यू कैन जस्ट कॉल दिस एज इलास्टिक कोलिजन, राइट. तो इसको परफेक्टली नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा. अब द थिंग इज, द प्रॉब्लम हियर इज, आपको पता होगा व्हाट यू शुड नो, हम अभी तक वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन डे कोलिजन्स. याद रखना यहां पे हम जिस कोलिजन की बात कर रहे हैं इट इज स्ट्रिक्टली अलोंग वन डायमेंशन, और बाद में हम देखेंगे टू डी कोलिजन बाद में देखेंगे. सो नाउ अगेन द केस इज द सेम. कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स विथ मासेस m1 एंड m2 मूविंग अलोंग द सेम straight line with velocities u1 and u2 respectively, where u1 is greater than u2. After collision, let the velocities of these two objects be v1 and v2, where v2 is greater than v1. Okay, so पहले तो सिस्टम को हमेशा डिस्क्राइब करो, फिर बाद में करेंगे मैथमेटिक्स हम लोग. और बाय द वे, एज आई टोल्ड यू, वी आर स्ट्रिक्टली कंसीडरिंग वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन, तो मैं वो भी पहले मेंशन कर दूंगा. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन विच टाइप ऑफ कोलिजन आर वी टॉकिंग अबाउट. तो ये आप यहाँ पे जिस कोलिजन की बात कर रहे हो इट इज वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन. याद रखना वी आर टॉकिंग अबाउट वन डायमेंशन हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि जो कोलिजन है हेड ऑन मतलब पता होना चाहिए कि बोथ ऑफ देम आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, साइड से कट मार के नहीं जा रहा है वो, कमिंग डायरेक्टली फेस टू फेस. ओके गुड, देन डिस्क्राइब द सिस्टम. बहुत इजी है, एक्सट्रीम सिंपल. कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स या टू मासेस M1 and M2, moving along the same direction with velocities u1 and u2 respectively. Let v1 and v2 be their velocities after collision. So पहले तो इतना पता होना चाहिए. Therefore you can say, अब आपको क्या पता है, we know that elastic collision में क्या क्या concept होता है, and linear momentum. We know that linear momentum is conserved. Therefore, you can write down m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. अब यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स लगने वाला है हमको. सिंपल सिंपल है, नॉट रियली डिफिकल्ट. अब जो जो टर्म में m1 दिखता है उसको एक साइड पे लिखो, जहां जहां पे m2 दिखता है उसको एक साइड पे लिखो, सो दैट यू कैन टेक आउट m1 कॉमन एंड m2 कॉमन. तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन देयरफॉर राइट डाउन m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, राइट. देयरफॉर m1 कॉमन आ गया, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 कॉमन आ गया, v2 माइनस u2, right? Let us call this equation number one, क्योंकि इसके आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते. तो ये कंडीशन इक्वेशन नंबर वन आपको मिला फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लेकिन इलास्टिक कोलिजन में और एक चीज कंजर्व्ड है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. बट इन दिस केस
काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, इज ऑल्सो कंजर्व्ड, एंड देयरफॉर यू कैन राइट डाउन हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर. इसमें से वापस से हाफ 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 निकाल के कैंसल आउट कर दो. चारों टर्म्स में हाफ है कॉमन एंड कैंसल. तो मैं लिख नहीं रहा हूं बट यू शुड नो दैट वी आर कैंसलिंग आउट. तो एम वन यू वन स्क्वायर प्लस एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल टू एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू स्क्वायर इक्वल टू एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू स्क्वायर. वापस से जहां जहां पे M1 दिखता है उसको एक साइड पे लाओ. तो therefore you will have M1 U1 square minus M1 V1 square equal to M2 V2 square minus M2 U2 square. Take out M1 common from the left hand side and M2 common from the right hand side. So therefore you will have M1 common U1 square minus V1 square equal to M2 common V2 square minus U2 square. Now, do you remember what is A square minus B square? A minus B into A plus B. Therefore, you can write down M1 U1 square minus V1 square is U1 minus V1 into U1 plus V1 equal to M2 V2 minus U2 into V2 plus U2. Equation number second. अब यू सी यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में u1 माइनस v1 है और राइट हैंड साइड में v2 माइनस u2 है. और यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड में u1 माइनस v1 था और राइट हैंड साइड में v2 माइनस u2 था. तो अगर मैं इक्वेशन टू को इक्वेशन वन के साथ डिवाइड कर देता हूं तो कम से कम एक एक टर्म तो कैंसिल होगी, मे बी मोर बट एटलीस्ट वन. तो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन. Dividing equation number 2 by 1. Therefore, you will get क्या था equation number 2? अभी याद होना चाहिए. It should be very very fast. याद होना चाहिए आपको ये. M1 U1 minus V1 U1 plus V1 divided by M1 U1 minus V1. ये equation number 1 है जो मैं denominator में लिख रहा हूँ. ये equation number 1 का left hand side है. है ना M1 U1 minus V1 right equal to what M2 U2 minus V2 into U2 plus V2 upon M2 U2 minus V2. गलत, V2 minus U2. exactly. वैसे गलत है भी और नहीं भी है क्योंकि आपने यहाँ पे ऊपर भी यूट्यूब में वीडियो लिखा नीचे भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. नेगेटिव नेगेटिव साइन आपने दोनों से कॉमन निकाल के ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव तो टोटल पॉजिटिव. तो इस केस में बच गए, इस केस में बच गए क्योंकि गलती दोनों जगह पे हुई और ये जो गलती हुई है इसने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया. सिर्फ ऊपर ऐसा लिखते और नीचे उल्टा लिखते तो गए. तो यू हैव टू बी केयरफुल. अब M1 कैंसल, ये भी कैंसल, M2 कैंसल, V2 plus U2 भी कैंसल. Therefore you will have U1 plus V1 equal to U2 plus V2. Good. हमें क्या चाहिए था? Velocity of approach और velocity of separation. मतलब हमें चाहिए था U1 minus U2 as well as V2 minus V1. Look here. इसको सिर्फ शिफ्ट कर दो. U1 minus U2 equal to V2 minus. अरे यहां तो दोनों इक्वल ही आ गए. In this case, velocity of approach is equal to velocity of separation. So therefore, you can say, therefore, velocity of approach. क्योंकि velocity of approach था. अगर नहीं याद होगा तो लिख देना एक statement. But we know that. इक्वेशन नंबर यूज किया गया पहले वन टू यूज किया इक्वेशन नंबर थ्री राइट. बट
u1 माइनस u2 इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड v2 माइनस v1 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट। देयरफॉर इन दिस केस ई, ये जो था v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये आ जाएगा v2 माइनस v1 की जगह पे डाल दो u1 माइनस u2 अपॉन u1 माइनस u2, दैट इज इक्वल टू 1, राइट। गुड, तो एज यू कैन सी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में e की वैल्यू थी 0 और परफेक्टली इलास्टिक में है 1, ओके। देयरफॉर E equal to 1 or perfectly elastic collision. वैसे perfectly use नहीं करते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, for elastic collision बोलते हैं। You can just say for elastic collision, for elastic collision. Okay, now therefore for any collision, जो भी collision होगा वो perfectly inelastic हो या सिर्फ inelastic हो, या फिर if you have perfectly inelastic or inelastic or elastic, any collision, the value of E will be between 0 and 1. Therefore, for any collision, the value of E lies between 0 and 1. The value of E lies between 0 and 1. Therefore, 0 is less than E is less than 1, right? तो so far हमने क्या किया है आज? हमने आज सबसे पहले we have defined what is inelastic collision. Inelastic collision में kinetic energy is not conserved. Normally, final kinetic energy is less than initial. But if the energy supplied is internal, if the energy is internally supplied, in that case final kinetic energy is greater than initial. Perfectly inelastic collision mein both the colliding bodies, they merge together or they stick together after collision and then move together with common velocity, right? Okay, fir humne ek coefficient of restitution define kiya hai E, jo humko batayega ki ye kaun se type ka collision hai. और डिफाइन कैसे किया है हमने, वी डिफाइन इट एज रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू दैट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन वेलोसिटी था v2 माइनस v1 और अप्रोच था u1 माइनस u2। अब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको पता है, अब हमको देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, for perfectly inelastic collision. In this case, you know कि दो bodies collision के बाद if they're sticking together, मतलब v1 equal to v2, तो numerator zero हो गया, तो e की value zero हो गई, तो e equal to zero is telling you that the collision is perfectly inelastic. फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास perfectly elastic collision है, मतलब elastic collision है, so basically if you have elastic collision, राइट, तो इसमें हमने केस लिया है वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन का, मतलब द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज द सेम स्ट्रेट लाइन, ओके। इस केस में हमने इनिशियल वेलोसिटी लिया u1 पहले ऑब्जेक्ट का और v1 फाइनल ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, u2 इज इनिशियल फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड v2 इज फाइनल फॉर द सेकेंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमको पता है कि इलास्टिक में दो चीजें कॉन्जर्व होती है, एक है लिनियर मोमेंटम, तो लिनियर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन मतलब m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2, तो यहां से आपको मिल गया m1 u1 minus m1 v1 equal to m2 v2 minus m2 u2, m1 कॉमन निकाल लिया, m2 कॉमन निकाल लिया आपने राइट हैंड साइड से, यू हैव इक्वेशन नंबर 1। आगे इन दिस केस यू ऑल्सो हैव काइनेटिक एनर्जी एज कॉन्जर्व, तो half m1 u1 square equal to half m2 u2 square equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square,
हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल, राइट हैंड साइड पे हमने लिखा है इनिशियल सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी टोटल। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिला एम वन यू वन माइनस वी वन इंटू यू वन प्लस वी वन इक्वल टू एम टू वी टू माइनस यू टू इंटू वी टू प्लस यू टू, इक्वेशन नंबर टू। इसको आपने डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर वन से, तो व्हाट वी गेट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या आएगा, वन। इसका मतलब किसी भी कोलिजन के लिए ई की वैल्यू हमेशा होगी जीरो से वन के बीच। जीरो मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक और वन मतलब इलास्टिक, तो जीरो और वन के बीच में होगा इन इलास्टिक, परफेक्ट नहीं बोलना यहाँ पे, इन इलास्टिक कोलिजन। इज दिस क्लियर? ओके, सो वी आर गुड फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे।